हेलो एंड वेलकम टू किरण ट्यूटोरियल्स। मैं बच्चा भाटी। बच्चा भाटी, आज हम करने वाले रेशियो एंड प्रोपोर्शन का प्रैक्टिस सेट 4.1। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जिसने अभी तक प्रैक्टिस सेट रेशियो एंड प्रोपोर्शन 4.1 स्टार्ट करने से पहले, जिसने अभी तक रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बेसिक वीडियो मैंने बनाया है वो नहीं देखा है, तो सबसे पहले वो जाकर बेसिक वीडियो देखे तो ये लेक्चर से बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा और मजा भी आएगा। क्लियर? तो आज हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 4.1। ऊपर नंबर बताया, इजी है बच्चा। सबसे पहले बोला फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर ऑफ द नंबर्स, पेयर दिए रहेंगे, पेयर्स दैट मींस जोड़ी, फाइंड द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू सेकेंड नंबर। रिड्यूस फॉर्म दैट मीन्स, रिड्यूस फॉर्म मतलब क्या होता है बच्चा? रिड्यूस फॉर्म मतलब कोई नंबर कितना कम से कम हो सकता है। जैसे मैंने यहां पर बोल दिया 18/20। क्या बोला बच्चा? 18/20। अब 18/20 जो है बच्चा, इस 18/20 को हम लोग इस तरीके से भी लिखते हैं, पहले बता देता हूं मैं, जिसको हम लोग बोलेंगे 18:20। सर मैं दोनों रेशियो ही है, अपॉन में दैट मीन रेशियो ही है यहां पर सर मैं, तो इसको दो तरीके से कहा जाता है। अगर इसको बोला रिड्यूस्ड फॉर्म, क्या बोला बच्चा? रिड्यूस्ड फॉर्म। तो ये 18/20 मुझे बताओ किसके टेबल में आता है? दोनों नंबर आप लोग को बताना है कि दोनों नंबर किसके टेबल में आते हैं। तो सबका क्वेश्चन रहेगा 2 का, तो 2 9 18, 2 10 20। क्लियर दैट? तो आ गया ये आंसर क्या है बच्चा यहाँ पर, 9/10। क्लियर दैट? अब मुझे बताइए कि 9 और 10 क्या ये दोनों नंबर किसी टेबल में आते हैं? सोचो सोचो सोचो। हाँ सही बोले, नहीं आते, तो हमें इसी पे ही छोड़ देंगे, लिखेंगे 9/10। ये उसका हो जाएगा रिड्यूस्ड फॉर्म। क्या हो जाएगा बच्चा? रिड्यूस्ड फॉर्म मतलब कम से कम भी अगर हुआ तो कितना होगा, इतना ही होगा, इसके बाद कम होने वाला नहीं है। क्लियर दैट? तो हम आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा रफ कर लें। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे यहाँ से बोला हुआ है फॉर्म द रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर टू सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर टू सेकंड नंबर दैट मींस पहले 72 आएगा, उसके बाद 60 आएगा। तो रेशियो ऑफ 72 to 60, तो फर्स्ट नंबर अपॉन सेकंड नंबर। क्यों? क्योंकि यहां पर बोला हुआ है, यहां पर सीधे सीधे डिनोट किया है फर्स्ट नंबर टू सेकंड नंबर रेशियो, दैट्स व्हाई मैंने यहां पर ये मुझे लिखना पड़ा। क्लियर? अब फर्स्ट नंबर क्या बच्चा? 72, हम 72 लिख रहे हैं। सेकेंड नंबर क्या है? 60, तो हम लिख दिए 60। क्लियर दैट? तो 72/60 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सोचेंगे कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें 72 और 60 दोनों आता है, जल्दी गेस करना। 12 का नंबर है, बहुत बढ़िया, 12 का नंबर है। तो हम 72 का फैक्टर भी निकाल सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। क्लियर दैट? फैक्टर निकाल सबको आता रहेगा, किस तरीके से, यहाँ पर 2 लिख दिया मैंने बच्चा, तो अब क्या करूंगा, 2 3 6, 2 3 6, 1 बच गया, बाजू वाले को दे दिया, कैरी डाउन हो गया। यहाँ पर व्हाइट ले लेते, आप लोग को दिखाई देगा, चलिए अभी देखते हैं। 2 3 6 हुआ, अब यहाँ पर 1 बच गया ना, बाजू वाले को दे दिया, 12 हो गया। तो 2 6 12, ये फैक्टर है, सभी को आता होगा। फिर 2 के टेबल से करूंगा, 2 1 2, 1 बच गया, इसके पास भी 3 गया, बाजू का दे, बाजू 16 बन गया। तो 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। तो अब ये सबका मल्टीप्लाई करो बच्चा, तो 2 2 4, 4 2 8, 8, समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? ये सबका अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो इसको ऐसे लिख दिया मैंने, मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिख दिया। इस तरीके से करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। फिर 60 सेम एज फैक्टर निकालूंगा मैं, किसका? 60 का। 2 3 6, 0 का 0, फिर 2 1 2, 1 बच गया, 2 5 10, ऐसे ही बोल सकते हैं, 2 15 30, 3 5 15, 5 1 5, ये फैक्टर आ गया यहाँ पर, 2 × 2 × 3 × 5, इस तरीके से। फिर जो जो सेम कॉमन कॉमन लग रहे, 2 2 कॉमन था कैंसिल किया, 2 2 कॉमन था कैंसिल किया, 3 3 कॉमन था कैंसिल कर दिया, बच्चा क्या 2 3 6, और नीचे बच्चा 5, तो आंसर इज 6/5। क्लियर दैट? तो अब एक इस तरीके से कर सकते, तो रेशियो ऑफ 72 to 60 6:5, आंसर आ गया। तो या तो आप इस तरीके से कर सकते, जो नंबर दिया रहेगा सबसे पहले उसका फैक्टर फाइंड आउट करो, तो जितने फैक्टर्स के नंबर रहेंगे वो एक साइड में ऊपर लिख देंगे, फिर 60 के जितने फैक्टर थे वो लिख दिए, फिर जो जो सेम सेम होता है उसे काटना। ये इजी वे हो गया। और एक इजी वे सीखा, तो अगर आपको वो अच्छा लगे तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे लेट्स एग्जांपल, ब्लैक ले लूं मैं तो दिखाई नहीं देगा आप लोगों को, व्हाइट लिया मैंने। चलो यहाँ पर क्या बोला हुआ है बच्चा, 72/60। क्लियर? तो और दो तरीके से कर सकते हो। अब दोनों के दोनों जो टेबल नंबर्स है बच्चों, वो कौन से टेबल में आते हैं बताओ?
कौन से टेबल में आते हैं? वो आते हैं 12 के टेबल में। तो अब मैं क्या करूंगा, डिवाइडेड बाय 12, कॉमन नंबर देखना, बड़ा नंबर चुनना है, डिवाइडेड बाय 12 और डिवाइडेड बाय 12, दोनों को 12 से डिवाइड करता हूं, क्लियर दैट। तो मुझे बताना आप लोग जरा फटाफट, आप लोग मुझे जरा बताना कि 12 के टेबल में 72 कब आता है? 12 6, क्लियर। 12 के टेबल में 60 कब आता है? 12 5, हो गया 6/5, क्लियर दैट। आप लोग को लेकिन इतना याद रखना है कि जो नंबर्स आप लोग ले रहे, मैंने 12 लिया, वैसे ऐसा नंबर लेना जो सबसे बिगेस्ट हो, बड़ा ही नंबर होना चाहिए, बाद में कैंसिलेशन नहीं होना चाहिए डिवाइड होने के बाद। जैसे अभी 6/5 आ गया, अब ये कैंसिल हो ही नहीं सकता, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, दोनों ही तरीके से आपका आंसर करेक्ट होगा। मैथ से बच्चों 10 मेथड होते करने के, हम 10 मेथड का यूज कर सकते हैं, सिर्फ शॉर्टकट नहीं होना चाहिए, क्लियर दैट। तो स्टार्ट करते हैं आगे हम सेशन। सेकंड क्वेश्चन है 38 और 57, जिसको टेबल में बहुत दिक्कत होता है ना कि भाई कौन से टेबल में आता है, बड़ा डाउट है। अभी 38 और 57 अगर टेबल लाने तो आपको पता होगा दोनों 13 के टेबल में आते हैं। अगर आपको टेबल बाय हार्ट नहीं है तो सिंपल वे है, फैक्टर करो, फैक्टर करो, इजीली सॉल्व होगा। 38 है, 38 का फैक्टर बड़ा इजी वे में कर सकते हैं हम लोग, सर मैम 38 का फैक्टर हम लोग इजी वे में कर सकते हैं, किस तरीके से, चलो देखते हैं। यहाँ पे लिख दिया मैंने 38, तो पहले क्या करूं, जिसको फैक्टर नहीं आता उन लोगों को सिखा रहा हूं कि करना कैसे है। तो पहले 2 के टेबल से कैसे पता चला है 2 के टेबल में आएगा, लास्ट में देखो 8 है और 8 इवन नंबर है, इवन नंबर है, दैट मींस 2 के टेबल में आना ही है, टेंशन लेने का नहीं। अब 2 के टेबल में 3 तो आता नहीं, तो क्या आएगा, 2 1 2, यहां पर 1 बच गया, पड़ोसी को दे दिया, किसको दे दिया बच्चों, पड़ोसी को। ये 8 क्या बन जाएगा हमारा, 18 बन गया। अब 2 के टेबल में 18 आता है, हाँ आता है, 2 9 18, क्लियर दैट। फिर क्या हो जाएगा बच्चे, यहां पर 19 1 19, क्लियर। 19 के टेबल में भी दोनों आते हैं, 57 और 38, चलो 19 1 19, तो अब क्या आ गया यहाँ पर बच्चों, 38 था अपॉन क्या था, 57, क्या था बच्चा, 38/57। तो कैसे लिख सकते हैं इसको हम लोग, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी फटाफटा। तो 38 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 × 19 अपॉन, अभी क्या करेंगे 57 का, किसका करना बच्चा, 57 का, चलो 57 का हम करते, ब्लैक ले लो, 57, चलो। अब ये 2 के टेबल में जाएगा ही नहीं, अब तुम बोलोगे सर कैसे पता चल गया, म्यूजिशियन हो क्या। लास्ट का नंबर देखो बच्चा, लास्ट का नंबर देखो, लास्ट का नंबर 7 है, दिखाई दे रहा है 7 है, और 7 कैसा नंबर है, ऑड, तो 2 के टेबल में आने पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हम किसका कर सकते हैं, 3 का कर सकते हैं, बट ऑफ हम कर सकते हैं, तो 3 1 3 3 1 3, कितना बच्चा बच्चा 4 5, 2 बच गया, बाजू वाले को दे देंगे, बाजू वाला बन गया 27। अब 3 9 27, 19 इज अ प्राइम नंबर, 19 ऐसा नंबर है जो प्राइम है, प्राइम नंबर मतलब ऐसा नंबर जो सिर्फ अपने ही टेबल में आता है, क्लियर, और किसी के टेबल में आता नहीं है। तो 19 1 19, तो इसका क्या आ जाएगा बच्चों, 3 × 19, तो जो सेम सेम रहेगा वो कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स कैंसिल कौन होगा, 19 19, then the remaining number is what, 2/3, इसका क्या हो जाएगा, reduced form। I hope you all are understand, ये करने के पीछे reason था कि कुछ लोग है जिसको factors नहीं आते रहेंगे कि भाई कैसे करते हैं ये division factor वाला, तो ये सिखाओ सर, तो मैंने सिखा दिया, जिसको easy way में रहेगा वो उसे कर भी सकता है। तो बढ़ते हम जो मैंने मेहनत से PPTs बनाई है उसकी तरफ, first number to second number लिख दूंगा 38/57, after that 38, अभी 38 का फैक्टर 2 1 2, क्लियर, 1 बच गया, बाजू रहेगा 2 9 18, फिर 19 1 19, सेम एज क्या लिख दूंगा 2 × 19, सेम एज 57 के लिए क्या कर दूंगा, सेम एज का फैक्टर निकालना है बच्चों, 3 से इस बार करूंगा, लास्ट में 7 था, 7 कैसा नंबर था बच्चा, ऑड नंबर था, तो 2 के टेबल में पॉसिबल नहीं था, तो 3 1 3, 4 5, 2 बच गया, बाजू वाले को दिया, इट विल बिकम 27, ये क्या बन जाएगा बच्चों, 7 27, 3 9 27, फिर 19 1 19, the remaining number is what, 3 × 19 क्या हो जाएगा बच्चा, cancel, then the remaining number is what, 2/3, clear, ये हो गया हमारा reduced form, the ratio of 38 to 57 is what, 2:3, बढ़ते third question की तरफ, 50 to 78, तो first number to second number बोला, तो पहले 58 लिखूंगा मैं, and then 78 लिखूंगा, clear that। अब 52 का भी क्या करना है, सबसे पहले फैक्टर करना है, तो क्या होगा, 2 2 4 हो जाएगा, सीधी बात है, और लास्ट में 2 था, 2 के टेबल में तो आएगा, इवन नंबर है, तो 2 2 4,
वन बच गया, पड़ोसी को दे दिया, पड़ोसी 12 हो गया, 2 6 12, 2 1 2, 2 3 6, 13 1 13, नंबर क्या आ जाएगा बच्चा 2 × 2 × 13। सेम एज किसके लिए करूंगा बच्चा मैं, 78 के लिए फैक्टर निकालना है, तो पहले 2 1 2 आ जाएगा, क्लियर। पहले क्या आ जाएगा बच्चा 2 1 2, देखो लिख के दिखाता हूं, 7 है ना, तो किसके टेबल में 2 3 6, 2 3 6, 1 बच गया, बाजू वाले को दे दिया, 18 हो गया, 2 9 18, अब 39 है। अब ये 2 के टेबल में तो पॉसिबल है नहीं, 9 आता नहीं है, तो 3 के टेबल से करके देखते, 3 1 3, 3 3 9, अब 13 आ गया, 13 इज द प्राइम नंबर, तो 13 1 13, तो क्या है बच्चा नंबर क्या आ गया, 2 × 3 × 13, क्लियर। पहले इसको कर लेते हैं रफ, नहीं तो होगा डिस्टर्ब। चलो तो सेम है, सेम मेथड यहाँ पर भी यूज किया, और आ कितना गया बच्चा 2 × 3 × 13। अब जो जो कॉमन रहेगा उसे कैंसिल करना है, 2 2 कॉमन था कैंसिल, 13 13 कॉमन था कैंसिल, देन द रिमेनिंग नंबर इज व्हाट, 2/3। तो क्या लिखूंगा, रेशियो ऑफ 52 to 78 इज व्हाट, 2 is to 3, दैट्स इट। क्लियर, आई होप सबको समझ में आया होगा, ये पूरा हमारा था क्वेश्चन नंबर 1 पे बेस्ड, क्लियर दैट। अब आगे हम करेंगे प्रॉब्लम सेट जो है क्वेश्चन नंबर 1 पे ही बेस्ड। तो बच्चों अब हम आ चुके हैं प्रॉब्लम सेट 4 पर। प्रॉब्लम सेट पे डायरेक्टली आने के पीछे रीजन ये है कि जितने अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन 4.1 के रिलेटेड क्वेश्चंस किए, वैसे ही अब प्रॉब्लम सेट के भी हम क्वेश्चंस करने वाले जो टोटली रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 से 4.1 के। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर द फॉलोइंग नंबर राइट द रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर टू सेकंड नंबर। देखो सेम एज रेशियो करना है, और कौन से फॉर्म में करना है बच्चा, रिड्यूस्ड फॉर्म, रिड्यूस्ड मतलब कम से कम यहां पर करना है, क्लियर। फर्स्ट नंबर टू सेकंड नंबर, तो पहले ऊपर आएगा फर्स्ट नंबर, नीचे आएगा सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर अपॉन सेकंड नंबर, तो 21 है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 21/48। अब फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टर किसका फाइंड आउट करूंगा, 21 का, तो बच्चा बच्चा जानता है 3 7 21, और 48 का करने के लिए मैंने यहां पर ब्लैक बोर्ड यूज किया है यहां पर आप लोगों के सामने, क्लियर दैट। और ये भी आप लोगों को बाकायदा अच्छे से आ गया, अभी 2 के टेबल में आते ही इजीली कट हो जाएगा यहां पर, 2 2 4 2 4 8, सेम एज फिर 2 1 2 2 2 4, सेम एज 2 6 12, 2 3 6, अब 3 तो 2 के टेबल में आता नहीं है, दैट्स व्हाई 3 1 3, क्लियर। तो इसका फैक्टर क्या आ जाएगा बच्चा, 2 × 2 × 2 × 2 × 3, दैट मींस 4 × 2 आएंगे एंड 1 × 3 आएगा, तो अपॉन यहां लिख दिया मैंने। अब जो जो कैंसिलेशन हो सकता है बच्चों, कट कट कटिंग कट्स करूंगा मैं, तो 3 3 यहां पर हो जाएगा कैंसिल, देन द रिमेनिंग नंबर इज व्हाट, ऊपर बच रहा है 7, लिख दिया 7, और फिर मल्टीप्लाई करूंगा यहां पर बच्चा मैं किसका किससे करूंगा, 2 यहां कर कितने टाइम से, 4 times, तो 2 का मल्टीप्लाई कितने टाइम करना है बच्चा, 4 times, क्लियर दैट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसका किससे होगा, 2 ब्लैक मार्कर ले ले, रेड मार्कर ले, चलिए ठीक है, 2 × 2, तो 4 हो गया, 4 × 2, 8 हो गया, 8 × 2 = 16, क्लियर दैट। तो डायरेक्टली व्हाट वी हैव टू रिटर्न एज 16, रेशियो ऑफ 21 to 48 इज व्हाट, 7 is to 16 is to, रेशियो जिसको हम लोग बोलते हैं। आ जाते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 36 और 90 है यहाँ पर, तो रेशियो ऑफ 36 to 90, और बोला क्या है फर्स्ट टू सेकंड, तो 36 ऊपर आ जाएगा बच्चा और 90 नीचे। ध्यान से हर चीज को ध्यान से सुनो, समझ में आएगा एकदम मजेदार। आ जाते हैं 36/90, सबसे पहले फैक्टर इसका फाइंड आउट करेंगे बच्चा 36 का। अब पहले 2 से ट्राई करेंगे, 2 से जाएगा, why, because 2 1 2 अगर मैं ले रहा हूं और 1 बच जा रहा है 3 में से, तो 3 वो जो 1 बच रहा है किसको दे दे रहा है, 6 को दे दे रहा है, तो 6 it will become 16, और 16 2 के टेबल में आता है, तो चलो 2 1 2 ले लिया मैंने, क्लियर, 2 1 2, 1 बच गया, बाजू वाले को दिया, बाजू वाले 16 बन गया, तो 2 8 16, अब 2 9 18, अब 9 तो 2 के टेबल में आता नहीं है, बच्चा बच्चा जानता है, तो क्या करूंगा बच्चा मैं, 3 का टेबल लूंगा, तो 3 3 9, 3 1 3, तो 36 का फैक्टर क्या हो गया बच्चा, 2 × 2 × 3 × 3, तो 2 × 2 लिखना है और 2 × 3 लिखना है, ऐसी सेम एज 90 का करूंगा बच्चा, क्लैरिफाई कर दूं, पहले 90 है
90 भी 2 के टेबल में आएगा, इवन नंबर है, वाई, बिकॉज जीरो आ गया लास्ट में, क्लियर दैट, जीरो आ गया। जीरो क्या होता है बच्चा, न्यूट्रल होता है, ना इवन होता है नहीं ऑड होता है, लेकिन जीरो किसी भी नंबर के साथ जब जुड़ जाता है, ध्यान से सुनना, जीरो किसी भी नंबर के साथ जुड़ जाए, चाहे वो इवन नंबर हो, चाहे वो ऑड नंबर हो, चाहे वो प्राइम नंबर हो, वो उस नंबर को इवन बना देता है। जैसे फाइव, फाइव तो ऑड है, जीरो जोड़ दो इवन बन जाता है, 25 आता है उसको डिवाइड करने का। तो जीरो किसी के साथ भी आया ना बच्चों, तो समझ लेने का इवन है और टू के टेबल से जाएगा। चलो कैंसिल करते हैं, 2 4 8 हो जाएगा, 2 4 8 1 बच जाएगा, 10 हो जाएगा, 2 5 10। अब 3 के जाएगा, 3 1 3, 3 5 15, 15 3 3 5 1। अब फैक्टर क्या आ गया इसका बच्चा, इसका 2 1 टाइम, 3 2 टाइम्स और 5 1 टाइम। तो यहां पर लिख दूंगा 2 × 3 × 3 × 5। अब जो जो कट कट हो सकते हैं उसको फटफट काट देते हैं। अब सेम सेम कौन है बच्चा, 2 2 सेम है तो 2 2 कट गया, और 3 3 सेम है, 3 3 कट गया, फिर 3 3 सेम आ रहा है, दिखाई दे रहा है, फिर कट गया। अब बचा क्या, ऊपर बचा है बच्चों 2 और नीचे बचा है 5, तो 2/5। दैट्स व्हाई द रेशियो इट विल बिकम, द रेशियो ऑफ 36:90 इज व्हाट, 2/5 या 2:5। थर्ड क्वेश्चन इज ऑल्सो सेम, 65 एंड देन 117। फर्स्ट टू सेकेंड बोला, फर्स्ट ऑफ ऑल वॉट वी हैव टू रिटन है 65 एंड द नेक्स्ट स्टेप वॉट वी हैव टू राइट है 117। फर्स्ट ऑफ ऑल वॉट वी हैव टू फाइंड द फैक्टर ऑफ 65 का फैक्टर करूंगा बच्चा। अब 65 का फैक्टर करने के लिए सबसे पहले मुझे देखना है कि ये 2 के टेबल में आता है, आ ही नहीं सकता, लास्ट में 5 है, सेकेंड डिजिट नंबर जो है वो 5 है, और 5 कैसा नंबर है, ऑड है, ऑड है मतलब 2 के टेबल में नहीं आएगा। 3 के टेबल में ट्राई करूं, 3 2 6, फिर 5 आ गया, नहीं आ रहा है। अब एक ही टेबल बच रहा है, मैंने 2 देखा नहीं आया, 3 देखा नहीं आया, 4 के तो पॉसिबल नहीं, 5 के आएगा। चलो कैसे देखते, 5 1 5 ले लूंगा मैं, 5 1 5, 1 बच जाएगा इसके, बाजू वाले को तो देगा, बाजू वाला बन जाएगा 15, तो 5 3 15, और 13 इज अ प्राइम नंबर, 13 इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब ऐसा नंबर मैंने बताया है जो सिर्फ और सिर्फ अपने ही टेबल में आता है, तो 13 इज द प्राइम नंबर, दैट मींस वो किसी के टेबल में आने वाला नहीं है, दैट्स व्हाई 13 1 13, क्लियर दैट। द फैक्टर इज व्हाट, 5 × 13, एंड देन फैक्टर करेंगे 117 का, लास्ट में 7 है, तो लास्ट में 7 है जब, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 3 के टेबल में आ सकता है, 3 9 27, 3 के टेबल में आ सकता है, 7 के टेबल में भी 7 आ सकता है, 7 1 7। सर मैं तो पहले 3 के देख लेते, 3 3 9 3 3 9, कितना बच गया यहाँ पर, 10 11, 2 बच गया, बाजू वाले को दे दिया, बाजू वाला 7 नहीं, अब 27 बन गया, तो 3 9 27। 39 13 के टेबल में आता है और 3 के भी टेबल में आता है, पहले छोटे नंबर से लेंगे, तो 3 1 3 3 3 9, फिर 13 1 13, क्लियर दैट। देन द फैक्टर इज व्हाट, 3 × 3 × 13, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में लिख दूंगा मैं 3 × 3 × 13। अब कैंसिलेशन, 13 13 कैंसिल, और कोई भी ऊपर नीचे सेम नहीं है तो कैंसिलेशन होगा नहीं, तो न्यूमरेटर में बचेगा 5 और डिनोमिनेटर में 3 3 9। आफ्टर दैट द रेशियो ऑफ 65 to 117 इज व्हाट, 5:9। फोर्थ क्वेश्चन बच्चों, 138 और 161, क्या है, 138 161। फर्स्ट वाला फैक्टर देखेंगे अगर 138 का, तो 138 लास्ट में 8 है, और 8 कैसा नंबर है बच्चा, इवन है, दैट मींस 2 के टेबल में जाएगा, टेंशन बिल्कुल लेने का नहीं, लास्ट वाले नंबर पे फोकस करो, 8 है 2 के टेबल जाएगा, 2 6 12, ध्यान से देखना बच्चा, ध्यान से देखना, 2 6 12, 1 बच जाएगा, 18 हो जाएगा, बच वाला 2 9 18, फिर 3 2 6, 3 3 9, 23 इज अ प्राइम नंबर, 23 is a prime number, 23 ones are 23. Then the factor is what, 2 × 3 × 23, so likh dunga yahan par 2 × 3 × 23, and then the second number is what, third second number is 161, chalo 161, aur last mein 1 aa chuka hai bachcho, to 2 ke table mein to possible hota hi nahi, 3 ke table mein possible hai, 3 7s are 21, लास्ट में 1 aata hai, aur kiske table mein last mein 1 aata hai bachcho, dhyan se batana, 7 ke table mein aata hai, आया ना, आता है 7 के टेबल में, नहीं आता है पागलो, अब डायरेक्टली आता है वो 9 के टेबल में, 9 9 81, तो चलो देखते किससे होता है, 7 के आता है कि नहीं आता है, चलो देख लेते, 7 2 14 ले लूंगा बच्चा, 7 2 14, 15 16, 2 बच गया, बाजू वाले को दे देंगे, पड़ोसी 1 नहीं, अब 21 हो गया, 1 नहीं, क्या हो गया, 21, क्योंकि इसका 2 बचा हुआ था, बाजू वाले को दे दिया, इट विल बिकम 21, तो 7 3 21, 23 इज अ प्राइम नंबर, 23 1 23, देन द
फैक्टर इज व्हाट? 7 into 23 कैंसिल, then the remaining number is 2 3s are 6 upon 7. Ratio of 138 to 161 is what? 61 is to 6 is to 7. आगे बढ़ते बच्चे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5, 114 और 133, 114 and 133. तो 114 का लास्ट में 4 है तो इवन नंबर है, इवन नंबर है तो 2 के टेबल में डैम श्योर आएगा. चलो देखते, 2 5s are 10 ले लूंगा, 1 बच जाएगा, पड़ोसी को दे दूंगा, 14 हो जाएगा, 2 7s are 14. फास्ट हुआ तो बोल देना कि सर धीरे धीरे पढ़ाया करो, मेरे हिसाब से मैं सही चल रहा हूँ, लेकिन अगर कुछ ऐसा लगे तो प्लीज टेक्स्ट करो, और अच्छा लग रहा तो प्लीज लाइक करो. कर चुके बच्चों हम लोग, कब से वही कर रहे हैं, थोड़ा सा स्पीड में बढ़ा रहा हूँ. 3 is an odd number, तो 2 के टेबल पॉसिबल नहीं था. 3 किसके किसके टेबल में आता है? फर्स्ट आता है 3 के टेबल में. तो एक बार करके हम लोग ट्राई तो कर सकते हैं, तो चलो ट्राई करते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं. चलो तो क्या कर लूंगा बच्चा, ओहो बड़ी गंदी हैंडराइटिंग आ रही है भाई, क्या हुआ है आज मेरे पेन को, नीचे से माउस पैड. चलो हाँ बरोबर, बहुत अच्छा डिसीजन लेने में. 3 4s are 12, 3 4s are 12, 1 बच गया, 1 जैसे ही बच्चा बाजू वाले को दिया, बाजू वाला 13 बन गया. अब 3 के टेबल में ये आता नहीं है, तो 3 के टेबल में पॉसिबल नहीं है. तो 3 और किसके टेबल में आता है बच्चा, 3 और किसके टेबल में आता है, 3 और आता है यहां पर किसके टेबल में, 3 और आता है 7 के टेबल में. किसके टेबल में बच्चा, 7 के टेबल में. कैसे? 7 9s are 63, दैट मींस 3 आया ना, समझ में आया. तो 3 के टेबल में मैंने 3 के टेबल से कैंसिल करके देखा तो पॉसिबल नहीं था, फिर 3 और किसके टेबल में आ रहा था, 3 आ रहा था सिर्फ 7 के टेबल में, फिर तो मुझे 7 के टेबल से ट्राई करना है. चलो स्टार्ट करते हैं. तो 7 1s are 7, कितना बच गया, 7 1s are 7 लिया तो 13 था, 7 1s are 7 ले लिया तो कितना बचा बच्चा, 8 9 10 11 12 13, कितना बच्चा 6 बच गया, 6 बाजू वाले को दे दिया, वो 3 नहीं बन गया, वो 63 बन गया. 7 9s are 63 एंड 19 इज अ प्राइम नंबर, 19 1s are 19. तो 7 into 19 कैंसिल हो गया, जो जो सेम थे, 2 3s are ऊपर 6 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 7. नाउ द रेशियो इज व्हाट, 6 upon 7, and the ratio of 114 to 133 is 6 is to 7. अब यहां पर बोला हुआ है बच्चा, find the reduced form of the ratio of first quantity to second quantity वाला क्वेश्चन नंबर 2 है. 700 एंड बोला हुआ है 308, क्या बोला बच्चा, 700 and 308. तो लिख दूंगा यहां पर सबसे पहले रेशियो ऑफ 700 to 308, 700 लिखा अपॉन 308 आ गया, सेम एज उसी का, सेम एज जैसे हम अभी तक सम कर रहे थे. बिल्कुल भी डरना नहीं कि बड़ा नंबर आ गया, अल्लाह अब क्या होगा, अब तो मेरा रॉन्ग होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा. 700 बड़ा इजी है, इसका फैक्टर हम लोग इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं. देखिए 2 से जा रहा है, 2 3s are 6 हुआ, 2 3s are 6, 1 बच गया, 2 5s are 10, 0 का 0, फिर 2 से जाएगा, 2 1s are 2, 2 7s are 14, 2 5s are 10, फैक्टर सभी को आता होगा, नहीं आता तो बोल देना, मैं अलग से फैक्टर के लिए भी वीडियो बना दूंगा बच्चा. 5 3s are 15, 17 तो आता नहीं, 5 3s are 15, 16 17, 2 बच गया, वो 5 नहीं, वो 25 है, तो 5 5s are 25, 5 7s are 35, 7 1s are 7, ये पूरा फैक्टर आ गया यहाँ पर आप लोगों का. तो अब क्या बन जाएगा ये, 2 into 2 into 5 into 5 into 7, दैट मीन 2 times 2, 2 times 5 and 1 times 7, दैट मीन 2 into 2 into, अब 308 लास्ट में बचा है 8, जब बचा है 8 मतलब दैट मींस ये भी 2 के टेबल में आएगा. तो 2 1s are 2 ले लिया यहां पर, 2 1s are 2, 1 बच गया, बाजू वाले को दिया, बन गया 10, 2 5s are 10, 2 4s are 8, फिर 2 7s are 14, 1 बच गया, बाजू वाले को दिया, फिर वो भी 14 बन जाएगा, 2 7s are 14, अब 77 है, 7 1s are 7, 7 1s are 7, एंड देन लास्ट में नंबर आ रहा बच्चों 11, 11 ऐसा नंबर है जो है प्राइम, प्राइम है तो किसी के टेबल में आने वाला है नहीं, दैट मींस 11 1s are 11. यहाँ पर नीचे लिख दूंगा 2 into
2 × 7 × 11। अब जो जो सेम होगा उसे फटाफट काट दो। तो सेम कौन कौन था, 2 क्या सेम था, काट दिया, 2 सेम था, काट दिया, 7 सेम था, काट दिया, बच्चा क्या ऊपर 5 × 5 दैट मींस 25 एंड नीचे बच्चा है बच्चा 11। क्लियर दैट? रेशियो ऑफ 700 to 308 = 25:11। अब यहां पर है बच्चा 14, 12, जस्ट अ सेकेंड बच्चा लो, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 1 तक ही हम करते फिलहाल। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा प्रॉब्लम सेट के साथ भी हो गया है, क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए बिकॉज वो थोड़े अलग टाइप में आ जाएगा, यहां पर मेंशन नहीं कर पाया मैंने पीपीटी में अच्छे तरीके से, तो फिलहाल आज के लिए इतना काफी है बच्चा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो मैसेज जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में करना कि जल्दी से जल्दी मैं क्वेश्चन नंबर 2 का वीडियो आप लोगों के सामने पेश करूं। क्लियर दैट? तो आज के लिए इतना, बहुत ज्यादा वाला काफी था।